हाय, वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे आप सब लोग? तो आज की वीडियो में मैं पाव यानी बन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए हम लोग को पहले 1 कप ऑफ मिल्क लेना है, 2 टेबलस्पून शुगर और एक्टिव ईस्ट लेना है। तो एक्टिव के अंदर 7 ग्राम्स लेना है, 7 ग्राम्स वो है 1 टेबलस्पून जितनी होना चाहिए। तो ये तीनों को अच्छे से मिक्स करके हम लोग को 10 मिनट तक ऐसे ढक के रख देना है। इसके लिए क्योंकि ना उसको एक्टिवेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर 10 या फिर 5 मिनट रखना है। फिर उसके अंदर 3 कप्स मैदा डालना है और फिर मैदा डालने के बाद में अच्छे से गूंदना है। ये वाला आटा बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, बहुत ज़्यादा हाथ पे चिपक जाता है, तो इतना ज़्यादा गूंदना है कि जब तक उसका स्टिकीनेस कम नहीं हो जाए। और मेक श्योर करना है कि बहुत ज़्यादा आटा सॉफ्ट हो, जितना सॉफ्ट गूंद सकते हो ना तो फिर उतना ही अच्छा बन बनता है। और फिर उसके बाद 1/4 कप दूध लेना है और थोड़ा थोड़ा सा करके डालना है और अच्छे से गूंदना है। तो जिसको रोटी बनाना और ऐसा आटा गूंदना अच्छा लगता है ना, तो फिर वो लोग के लिए ये वाला काम एकदम परफेक्ट है। देखो, इतना ज़्यादा गूंदना है कि ये आटा पूरा ऐसा हो जाए एकदम सॉफ्ट। और फिर उसके अंदर 2 टेबलस्पून बटर डालना है। बटर को अच्छे से एकदम आटे के साथ में अच्छे से गूंद लेना है। और फिर ये हो गया पूरा आटा रेडी। 1 घंटे के लिए रेस्ट के बाद में ये इतना ज़्यादा फूल गया है, तो फिर ये बहुत मस्त स्टेप है। 1 घंटे तक इसको ऐसा ढक के रखना है, तो इसलिए इतना ज़्यादा ये फूल गया। और फिर उसके बाद में हम लोग को अच्छे से उसको बस थोड़ा सा पंच करना है और बाद में छोटे छोटे से गोल ऐसे बॉल्स जैसा बना देना है, जैसे हम लोग नॉर्मली रोटी बनाने के लिए करते वैसा। मेरे से यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, ये वाला जो मेजरमेंट है ना उससे पूरा टोटल 10 बंस बनते, 10 पाव बनते, लेकिन मैंने 8 कट किए थे, तो इसकी वजह से मेरे 2 जो थे बंस वो बड़े हो गए और कुछ 2-3 छोटे हो गए थे। तो फिर ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा ध्यान से करना है जो भी कटिंग वाला है, तो पूरा ऐसा 10 कट करना है यहाँ पर। और फिर दूसरी मिस्टेक थी कि छोटे से बॉल्स बनाना है, लेकिन मैंने ऐसा वाला शेप दे दिया था, इसकी वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे और बड़ा और छोटा ऐसा सब हो गया था। तो अगर ये वाली रेसिपी ट्राई करो तो ये वाली जो 2 मैंने मिस्टेक किए वो उसको अवॉइड करना। और फिर उसके ऊपर ऐसा मिल्क ब्रश करना है और फिर उसको बेक करना है 180 डिग्री पर 25 to 20 मिनट्स। और देखो कितने ज़्यादा सॉफ्ट टर्न आउट हुए मेरे लादी पाव। मुंबई में इसको मोस्टली लादी पाव बोलते हैं और पुणे में इसको स्लेस पाव बोलते हैं, और यहाँ पर तो बंस बोलते हैं इसको। तो फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बटर लगाया था, तो इसकी वजह से अच्छा सा शाइन कर रहा था। अब ये वाला जो वीडियो है वो 4th of July का है। 4th of July यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे होता है, अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे ये लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, फायर वर्क्स वो सब होता है। तो हम लोग आ गए थे कॉलेज के अंदर, ये कॉलेज का स्टेडियम है, तो यहाँ पर सारे लोग ऐसे आके नीचे बैठ गए थे। अगर हम लोग को ऊपर बैठना है तो ऊपर भी बैठ सकते हैं, लेकिन हम लोग नीचे बैठे थे क्योंकि हम लोग को अच्छे से देखने मिले इसलिए। तो हम लोग आ गए यहाँ पर नीचे और बहुत सारे लोग थे यहाँ पर। तो हम लोग आए थे 9:30 बजे और फायरवर्क्स ना 10 बजे चालू होने वाला था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली थी तो फिर पार्किंग वो सब की जगह नहीं मिलने वाली थी। तो फिर ये तो पूरी स्टेडियम के भी लाइट चालू है इसलिए सब ऐसा दिख रहा है, जब ये फायरवर्क्स स्टार्ट होगा तो जो भी लाइट्स है वो सब ऑफ हो जाने वाली है। और हम लोग आए थे फायरवर्क्स देखने के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा बिजली हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश आ जाएगी तो फिर कुछ भी नहीं देख सकते। तो ये तो हमारा फर्स्ट टाइम है जो हम लोग ये देखने आए हैं। एक्चुअली ये जो यूनिवर्सिटी के थ्रू है, मतलब यूनिवर्सिटी में हो रहा है ना, तो फिर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, नहीं तो बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा एकदम लिमिटेड फायरवर्क्स हुए थे, कुछ 15 से 20 मिनट तक बस। तो सारी लाइट्स बंद हो गई है, स्क्रीन पर आ गया हैप्पी 4th of July और फिर बाद में स्टार्ट हो गए फायरवर्क्स। जब भी स्टार्टिंग में हम लोग को बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था वाओ वाओ वाओ, और फिर थोड़े टाइम के बाद ना सब सेम टाइप का हो रहा था। और ये बात है कि जितने भी फायरवर्क्स जितने भी पटाखे आ रहे थे ऊपर, सारे का कलर अलग अलग था, तो फिर बहुत अच्छा लग रहा था वो देख कर। यहाँ पर बहुत सारी जगह है जहाँ पर अलग अलग ऐसे स्पेशली इवेंट होता है सिर्फ फायरवर्क्स देखने का,
और ऐसा लग रहा था इंडिया में जैसे दिवाली होती है तो फिर ये लोग का 4th of July वैसे दिवाली के जैसा ये लोग सेलिब्रेट करते, तो फिर जहाँ भी जाओ ना वहाँ पर ऐसे स्टॉल्स जैसे लगे थे फटाकड़े के लिए, जैसे इंडिया में स्टॉल्स लगते दिवाली के टाइम पर वैसा। और फिर ये था एंड। और मैंने ये कब से वीडियो लेके रखी हूँ लेकिन अभी मैं एडिट कर रही हूँ और अभी आज मैं पोस्ट कर रही हूँ, बहुत सारे दिन हो गए क्योंकि मेरी कॉलेज स्टार्ट हो गई, तो फिर पूरा ये जो फर्स्ट वीक था वो बहुत ज़्यादा बिजी था, कॉलेज फिर जॉब फिर बाद में घर पर, तो यस फर्स्ट वीक थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक था। अभी और 5 वीक्स बाकी है, फिर उसके बाद में दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है, तो देखते हैं। तो ये 5 वर्क शो हो गया, फिर उसके बाद में स्टेडियम की सारी लाइट्स ऑन हो गई, तो कितना अच्छा लग रहा था और सब लोग बाहर निकल रहे थे। ना ख़त्म हुआ था 10:30 बजे, तो हम लोग पहली बार इतनी रात में वो भी चल के जा रहे थे। तो ठीक है, आज का व्लॉग इतना ही। अगर मेरी रेसिपी और ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।